repentance means an about turn in our life मन फिराने का अर्थ है हमारे जीवन में पीछे मुड़ना that's what helps us to turn towards god यही हमें ईश्वर की ओर मुड़ने में मदद करता है god has to see that a man chooses him before he can forgive his sin परमेश्वर यह देखता है कि मनुष्य उसे चुनता है इसके पहले कि वह उनके पाप क्षमा कर सके God doesn't force anyone to accept what he doesn't want. God's given you a free will. If you don't want what he offers, he won't thrust it down your throat. The Bible says that Jesus stands at the door of your heart and knocks. बाइबल कहती है कि यीशु तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा होकर दस्तक देता है वह आपके द्वार खोलने की प्रतीक्षा करता है क्योंकि वह एक सज्जन व्यक्ति है वह आपको कभी भी ऐसा कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जो आप करना नहीं चाहते वह

लेकिन विवाह तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि स्त्री भी यह कहती है हाँ मैं भी तैयार हूँ जब दोनों अपनी सम्मति जाहिर करते हैं तभी विवाह पूरा होता है Now, said, yes. अब एक ने कहा होगा कि वह उस स्त्री से विवाह करना चाहता है और स्त्री को हा कहने से पहले उसे पांच साल इंतजार करना पड़ सकता है ऐसा ही परमेश्वर के साथ है। you, you. वो है, वो तुमसे कहता मैं तुम्हारे साथ एक होना चाहता हूँ तुम्हारे पापों को क्षमा करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ मैं तुम्हारे जीवन बदलना चाहता हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी बुरी आदतों से छुड़ाना चाहता हूँ yes. लेकिन वह ऐसा तब तक नहीं करेगा जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे यदि you आप रुचि नहीं रखते हैं तो वह स्वयं को आपके साथ विवाह के लिए बाध्य नहीं करेगा इसलिए दुनिया में इतने सारे लोग परमेश्वर के बिना रहते हैं Now, अब आप इस दुनिया में बहुत से लोगों को धर्म के साथ जीते हुए देखते हैं धर्म के साथ रहना परमेश्वर के साथ रहने जैसा नहीं है a इसमें अद्भुत अंतर है There are so many

और हर रविवार को कलिशिया जाना सिखाने के लिए नहीं आए थे no, नहीं वह मुख्य रूप से हमें हमारे पिता के रूप में परमेश्वर के साथ एक संबंध में लाने के लिए आए थे इंटू अ पर्सनल रिलेशनशिप विद हिम इन टू अ मैरिज लाइक आई से उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध में एक विवाह में जैसा मैंने कहा वो पहले ही हाँ कर चुका है जब वो तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा और मरे हुए में से जी उठा नाउ ही इज वेल अब वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप उसे उत्तर दे जैसे स्त्री को प्रतीक्षारत मनुष्य को हाँ कहना था एंड द मोमेंट

मन फिराव एक बहुत ही सरल शब्द है जिसका अर्थ है पीछे मुड़ना। अब आपने एक सैन्य परेड देखी है आपने शायद परेड के नेता को पीछे मुड़ कहते हुए देखा होगा एंड वेन दैट कमांड इज गिवन ऑल द सोल्जर्स हंड्रेडी डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन Of what they were facing before. जब वो आदेश दिया जाता है सभी सैनिक एक सौ अस्सी डिग्री में विपरीत दिशा में मुड़ते हैं उस दिशा से जहाँ वे पहले देख रहे थे पीछे मुड़ने का अर्थ है और यही मूल रूप ऐसी मन फिराव का अर्थ है We are born with our backs to God. हम परमेश्वर की ओर पीट करके पैदा हुए हैं

हम अपने लाभ और मुनाफे की तलाश करते हुए पैदा हुए हैं तक की धार्मिक लोग भी अपना लाभ और मुनाफा चाह रहे हैं उन सभी लोगों के बारे में सोचे जो विभिन्न तीर्थ स्थानों पर जाते हैं फॉर वे वहाँ किस लिए जा रहे हैं दे आर गोइंग देयर टू गेट फॉर देमसेल्व्स वे अपने लिए कुछ लाभ लेने के लिए वहाँ जा रहे हैं और really देखते हैं कि यह वास्तव में स्वार्थ है मार्केट प्लेस no, no वे गैर धार्मिक व्यवसाय से अलग नहीं है जो बाजार में पैसा बनाने के लिए अपना हित तलाश रहा है टू टर्न टू गॉड means टू टर्न अवे फ्रॉम सीकिंग जस्ट माई ओन वे अतः परमेश्वर के मुड़ने का अर्थ है जीवन में अपने स्वयं के मार्ग की खोज करने से दूर हो जाना around, say, कहने के लिए हे hey, प्रभु मैं हर उस बात से फिरना चाहता हूँ जो तेरा अपमान करती है और तुझे अप्रसन्न करती है

अब मैं फिर कर उन सब वस्तुओं की ओर पीट करके तेरा मुंह देखना चाहता हूँ और तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ बाइबल पहला थेसलोनिको एक नौ में मन फिराव को मूर्तियों से परमेश्वर की ओर फिरने के रूप में बताती है इफ वी वर्शिप एनी थिंग अदर देन द्रू गॉड अगर हम सच्चे परमेश्वर के अलावा किसी और बात की आराधना करते हैं यह यह धन हो सकता है, It could be myself, हो सकता सकता है, है, like कोई बुरी आदत हो सकती है जो हमारे जीवन में एक मूर्ति की तरह बन जाती है एंड टर्न मी अवे फ्रॉम गॉड दैट बिकम्स माई गॉन और जो हमें परमेश्वर से दूर कर देती है वह वस्तु हमारा परमेश्वर बन जाती है दैट थिंग व्हिच इज अपर मोस्ट इन माय माइंड वह वस्तु मेरे मन में सबसे ऊपर है And repentance is to turn away from all those things. और मन फिराव उन सभी वस्तुओं से दूर हो जाना है. And to turn to the one true God. और एक सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़ना है. It could be a a pretty girl.

यही मन फिराव है पीछे मुड़ना और परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाना अब बहुत बार हमारे लिए ऐसा सोच सकते हैं कि क्योंकि हमने ये शब्द कहे हैं, हमने मन फिराव किया है फ्रूट आर इन की बाइबल यह भी कहती है कि हमें ऐसे फल लाने चाहिए जो हमारे मन फिराव के अनुरूप फ्रॉम आर ओल्ड वे ऑफ लाइफ हम कैसे साबित करें कि हम आस्तव में अपने पुराने जीवन पद्धति से मुड़ गए हैं वन वे वु इफ यू हैनी फ्रॉम समान इन दास्ट if you have cheated the government of taxes एक तरीका यह होगा कि यदि आपने अतीत में किसी से धन की चोरी की है या यदि आपने करों की विषय में सरकार को धोखा दिया है then once you have repented of it you are going to return तो एक बार जब आप आपका मन फिरा हो जाता है आपको इसे वापस करने जाना है you are going to go to that person आपको उस व्यक्ति के पास जाना है उनसे आई एम सॉरी और कहना है मुझे क्षमा करे आई स्टोल सम मनी फ्रॉम यू मैंने आपसे कुछ पैसे चुराए हैं you didn't know about it. शायद आप नहीं जानते थे इसके बारे में Some years ago, कुछ साल पहले here is the money with interest that I'm returning to you. यह रहा वो पैसा ब्याज सही जो मैं आपको वापस कर रहा हूँ इफ यू हैव चीटेड द गवर्नमेंट ऑफ टैक्सेस यदि आपने सरकार को करों का धोखा दिया है इट वुड मीन

Otherwise, it would be mere words. तब यह साबित होगा कि आप अपने मन विराव के प्रति गंभीर है अन्यथा वे केवल शब्द होंगे Now, people, अब बहुत से लोग केवल वचनों के द्वारा परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं हार्ट अवे फ्र बाइबल में एक पद है जहाँ परमेश्वर कहते हैं ये लोग अपने होटो से मेरी ओर मुड़ते हैं लेकिन उनके हृदय मुझसे बहुत दूर है एंड इज अर ट्रेडिशन और उनकी आराधना केवल एक परंपरा है संसार के अधिकांश धार्मिक लोगों के साथ ऐसा ही है उनका धर्म एक ऐसा है जो उन्हें कभी कोई असुविधा नहीं देता है you know क्या आप जानते हैं कि वापस जाना और किसी से गलत तरीके से लिए गए धन को वापस करना कितना असुविधाजनक है ये अपमानजनक है But that's the proof that you really want to give up that old way of life. लेकिन यह इस बात का प्रमाण है कि आप वास्तव में उस जीवन शैली को छोड़ना it चाहते It would also mean that if you lost your temper at somebody and shouted at someone or called somebody by a bad name. इसका यह भी अर्थ है कि यदि आपने किसी पर अपना आपाक हो दिया हो होगा और किसी पर आप चिल्लाए होंगे. या किसी को बुरे नाम से पुकारा होगा। that say, that was my me. तो आपको उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है, वो मेरी गलती थी कृपा मुझे क्षमा करें जस्ट अ फ्यू वर्डली फिफ्टीन से देखिए ये बस कुछ ही शब्द है किसी को यह कहने में आपको केवल पंद्रह सेकेंड का समय लगता है बट यू विल डिस्कवर इट्स सो डिफिकल्ट फॉर यू टू डू इट लेकिन आप पाएंगे कि ऐसा करना आपके लिए बहुत मुश्किल है वाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू से तुम्हारे लिए किसी से दस पंद्रह शब्द कहना इतना कठिन क्यों है बिकॉज ऑफ फ्राइन सो प्राउड

तो इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि मैं अपनी पुरानी जीवन शैली से मुड़ने को लेकर वास्तव में गंभीर नहीं हूँ इसका मतलब यह होगा कि मैं सस्ते में परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करना चाहता हूँ you know लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्षमा सस्ती नहीं है

Acknowledge your sin before man and confess to that person the wrong that you did. Then you cannot get that forgiveness. And so repentance means that.

मतलब यह नहीं है की आपको अपनी नौकरी छोड़नी है और एक साधु बनना है या अपने परिवार याच इज गिविंग अपन टू अर्थली थिंग्स ये संसारिक बातों को नहीं छोड़ना है जितना की संसारिक बातों के प्रति लगाव को छोड़ना है इसमें बहुत अंतर है

कि हम भोजन नींद और इस तरह की कई अन्य चीजों का आनंद ले सके अनुभव करने में कुछ भी गलत नहीं है बट इफ वी मेक दीज थिंग्स मोर इम्पोर्टेंट देन गॉड दो लेकिन अगर हम इन बातों को परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं तो वे बातें हमारे जीवन में मूर्ति बन जाती है वन मोर थिंग is if we don't forgive others. then jesus said, your heavenly father will also not forgive you. so that's another thing we need to do. if we have really repented, we will forgive every single person who has harmed us. यदि हम वास्तव में मन फिराव करते हैं तो हम हर उस व्यक्ति को क्षमा करेंगे जिसने हमें नुकसान पहुंचाया है ठीक उसी तरह जैसे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है